नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे से खट्टी मीठी नमकीन। ये नमकीन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा और इसको एयरटाइट कंटेनर में रखकर 2-3 महीने तक आराम से यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल को गर्म किया है और तेल अच्छा गर्म हो चुका है, तब हम इसमें पोहे तल रहे हैं। अगर ठंडे तेल में तलेंगे तो पोहा अच्छी तरह से फूलेगा नहीं, तो बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए तेल, तभी पोहे तलेंगे। और जैसा वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से छन्नी में अगर आप तलेंगे तो आपको निकालने में आसानी होगी, नहीं तो कढ़ाई में फैल जाता है, थोड़ी परेशानी आती है। 2 कप पोहा है, 200 ग्राम। ये देख रहे हैं वीडियो में कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। और इसको कढ़ाई में हम, जैसे ये कढ़ाई देख रहे हैं छोटी सी, इसमें मैंने ऐसे ऊपर रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है जो वो हमारा निकल जाए। तो थोड़ी देर छन्नी को आप रख देंगे 4-5 मिनट के लिए, तो वो तेल एक्स्ट्रा होगा वो भी निकल जाएगा। अब 1 टीस्पून मैंने तेल डाला है इसमें मूंगफली तलने के लिए। 1 कप कच्ची मूंगफली ली है, ये 200 ग्राम है, और 2-3 मिनट मैंने इन्हें तला है। तो ये मूंगफली हमारी अच्छी तरह से सिक गई है, मीडियम फ्लेम पर तला है। अब इनको हम एक साइड निकाल के रख लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने, बिल्कुल आधी टीस्पून मैंने डाला है ऑयल, थोड़ा सा हल्दी गरम करने के लिए मैं हल्दी डालूंगी इसमें, ताकि जो पोहे में हमारा कलर आ जाए तो बहुत अच्छे लगेंगे वो। अब जो हमने पोहे फ्राई किए थे उन्हें हम पोहों को इसमें डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे लो है। अब आप देख रहे हैं पोहों में हल्दी का जो रंग है वो अच्छी तरह से आ गया है। आपने जो गैस है उसको लो ही रखना है, तेज नहीं करना है। अब मूंगफली हमारी जो सिकी हुई थी, भुनी हुई, उसे डाल देंगे। लो गैस पे हम सभी चीज़ें मिलाते जाएंगे। और इसमें 20-30 दाने ये किशमिश के हैं। और ये 1 कप मैंने नमकीन लिया, आप अपनी मनपसंद से कोई भी नमकीन ले सकते हैं। आपने पिछली वीडियो में मैंने जो बेसन के सेव बनाने बताए थे उसमें से मैंने ये नमकीन लिए हैं, और कुछ नमकीन मैंने जो बेसन के सेव हैं वो मार्केट से लिए हैं। 1 कप लिया है ये, और 2 टेबलस्पून यहाँ पे ये पिसी हुई चीनी है, और 1 टेबलस्पून चाट मसाला है। इससे खट्टा मीठा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और कुरकुरे जो पोहे हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। तलने से पोहा काफ़ी कुरकुरा हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मिक्स होने के बाद हमने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक बड़ा ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से नमकीन हमारी बनके तैयार हो जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कैसी बनी ये भी बताइएगा। हमेशा की तरह अपना फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।